हेलो बच्चों, अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी इस समय अपने बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो भी चुकी होगी, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है, कितने क्वेश्चंस उसमें से आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम क्लास 10th साइंस के एग्जाम का ब्लूप्रिंट हम देखेंगे, जिसमें आपको सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बताया जाएगा और ये बताया जाएगा कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो ये हमारा ब्लूप्रिंट है, आप इसमें देखेंगे क्लास 10th हमारी है और सब्जेक्ट है साइंस। आपका कोड जो है 086 है और ये हमारा इसी सेशन के लिए है 2021, यानी कि जो एग्जाम्स अभी देने जाएंगे। आपका जो साइंस का जो पेपर है, आपका जो पूरा सिलेबस है साइंस का, 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहले यूनिट में आपका है जिसका नाम है केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर। तो आप ध्यान से समझे स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट जो यूनिट है इसमें आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये टोटल 5 चैप्टर्स आपके इसमें आएंगे। और इसके जो वेटेज है आप यहां पर देख सकते हैं 26 मार्क्स। तो 26 मार्क्स बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं, मींस आपकी केमिस्ट्री सबसे ज्यादा नंबर की आ रही है। 26 मार्क्स स्टूडेंट्स आपके केमिस्ट्री के हैं। उसमें भी आप एक बार ध्यान दें, फर्स्ट चैप्टर में से आपका कुछ भी नहीं कटा है, वो पूरा आएगा। सेकंड चैप्टर भी आपका पूरा आता है और फिफ्थ चैप्टर भी आपका पूरा ही आएगा। इन चैप्टर्स में से कुछ भी यहाँ पर डिलीट नहीं हुआ है, कुछ भी यहाँ पर कटा नहीं है। अब बचे हमारे कौन से, थर्ड और फोर्थ चैप्टर। थर्ड और फोर्थ चैप्टर में से आपको पता ही है काफी कुछ डिलीट हो चुका है, दोनों चैप्टर्स हमारे हाफ ऑफ हो चुके हैं। दैट मींस फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ जो चैप्टर्स है इनमें से काफी कुछ आएगा, इनके प्रिपरेशन आप बहुत अच्छी तरीके से कर लें। और थर्ड और फोर्थ में भी जो रिमेनिंग जो बचा है, मतलब जो आपके एग्जाम में आ रहा है, तो उसमें बहुत डीप में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसलिए इनके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग। वर्ल्ड ऑफ लिविंग में स्टूडेंट्स ध्यान से समझें, इस यूनिट में हमारे ये चैप्टर्स आते हैं, 4 चैप्टर्स, 6th, 7th, 8th और 9th, जिसमें आप जानते हैं अच्छी तरह से कि 7th जो चैप्टर है आपका रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कट चुका है, पूरा चैप्टर कट चुका है आपका 7th वाला। अब बचा 6th, 8th और 9th, यानी कि ये 3 चैप्टर मिलाकर आपके 23 नंबर के बैठ रहे हैं। देखिए आप ध्यान से, 3 चैप्टर्स आपके 23 मार्क्स के हैं और ऊपर आपके 5 चैप्टर्स है 26 मार्क्स के। जो ज्यादा वेटेज आपको किसमें मिल रही है, बायोलॉजी में, हम कह सकते हैं बायो सबसे ज्यादा मार्क्स की है। और अगर यह सबसे ज्यादा मार्क्स की आपसे पूछी जा रही है तो आप ध्यान रखें, बायो में बहुत ज्यादा डीप में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो असर्शन रीजंस हो, चाहे वो वन वर्ड के क्वेश्चन हो, वन मार्क के क्वेश्चन हो। तो इसलिए आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से करके जाना है, ऊपर ऊपर से पढ़ के ना जाए, आपको इसमें बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट्स नेचुरल फिनोमेना पर। नेचुरल फिनोमेना में 2 चैप्टर्स हमारे आएंगे, एक लाइट वाला चैप्टर आएगा और एक ह्यूमन आई वाला चैप्टर आएगा। लाइट वाले चैप्टर में तो कुछ भी नहीं कटा है, वो पूरा पूरा आएगा। ह्यूमन आई में आप जानते हैं थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर कट चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर हमारा आएगा। और इनके जो वेटेज है वो 12 मार्क्स की है, तो आप ध्यान रखें उन 12 मार्क्स में से भी ज्यादा जो मार्क्स का चैप्टर आएगा, जहां तक मैं ये समझता हूं 10 चैप्टर आएगा, क्योंकि उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि दोनों चैप्टर 6-6 नंबर के आएंगे, ज्यादातर चांसेस हैं कि 10th जो चैप्टर है हमारा वो थोड़े ज्यादा मार्क्स का आएगा और 11th चैप्टर थोड़ा कम मार्क्स का आएगा। 8+4 का हो सकता है इसमें रेशियो हो जाए, बाकी इक्वल भी हो सकता है, कोई इसमें कंफर्म नहीं कह सकते। इन्होंने टोटल वेटेज दी हुई है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि भाई ये चैप्टर इतने मार्क्स का देना है, पूरी ये 2 चैप्टर्स मिलाकर 12 नंबर के होने चाहिए। वो टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह के क्वेश्चंस आपको देंगे। इसके बाद आता है हमारा इफेक्ट्स ऑफ करंट। इफेक्ट्स ऑफ करंट में स्टूडेंट्स आप जानते हैं 2 चैप्टर्स हमारे आते हैं, एक चैप्टर नंबर 12 और एक चैप्टर नंबर 13, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, है ना, यानी मैग्नेटिज्म। तो अब देखें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में से भी कुछ भी नहीं कटा है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। और आप जानते हैं अच्छे से कि ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है ना, तो इसमें से तो भर भर के क्वेश्चंस आएंगे। आप ध्यान से समझ लें इस बात को, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने हैं आपके पेपर में। बीच में से भी पूछे जाएंगे, एक्सरसाइज इंटेक्स्ट वगैरह जो होते हैं ये भी पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे इसके अंदर आएंगे। 13 चैप्टर में क्योंकि काफी कुछ कट चुका है, तो इसमें मेन तो आते हैं रूल्स। आपने 3 इसके अंदर लॉ पढ़े हैं,
वो अच्छे से आप रिवाइज कर ले, याद कर ले अच्छे तरीके से। रूल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मिलाकर आप जैसे देख पा रहे हैं 14 मार्क्स के है ये चैप्टर, तो ये भी ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों जो चैप्टर्स हैं 7-7 मार्क्स के हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है आपका ज्यादा मार्क्स का आ जाए, 8 या 9 नंबर का आए, और बाकी जो बचे हुए जो मार्क्स हैं वो आपके 13 चैप्टर में लग जाएंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे 3 चैप्टर्स आते हैं 14, 15 और 16। 14 चैप्टर आप देख सकते हैं हमारा पूरा पूरा कट चुका था, है ना, रिड्यूस सिलेबस में 14 चैप्टर पूरा पूरा कट गया है। 16 चैप्टर आपका इंटरनल असेसमेंट में आ रहा है, तो आपके बोर्ड के एग्जाम में वो नहीं आएगा। बचा सिर्फ और सिर्फ 15 चैप्टर, और ये 5 मार्क्स का है। तो आप समझ लें इस चीज को, 15 चैप्टर आपका स्टूडेंट्स 5 मार्क्स का है, इसको आप प्रिपेयर कर लें अच्छे तरीके से। तो इस तरह से आपका जो टोटल जो मार्क्स बन जाते हैं वो 80 मार्क्स बन जाते हैं, और इंटरनल असेसमेंट आपका 20 नंबर का होगा, और वो टोटल हमारा 100 में से मार्क्स मिलेंगे। अब इंटरनल असेसमेंट में क्या होगा वो भी हम देखते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें तभी आप इस एग्जाम का पैटर्न समझ पाएंगे, और लास्ट में आपको मैं कुछ टिप्स भी दूंगा ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए और आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जाए, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। अब यहां पर देखें इंटरनल असेसमेंट, ये 20 मार्क्स का होता है। इसका मतलब ये है कि इसके जो मार्क्स हैं वो टीचर के हाथ में होते हैं। इंटरनल असेसमेंट का मतलब हो जाता है कि इसके मार्क्स टीचर्स के हाथ में हैं, ठीक है। अब ये एक तो पीरियोडिक असेसमेंट आपका होगा, पीरियोडिक टेस्ट जिन्हें हम कहते हैं। आपसे पूरे साल भर में बहुत सारे टेस्ट आपके लिए गए होंगे, लिए जा रहे होंगे, चाहे वो प्री बोर्ड हो, चाहे वो री प्री बोर्ड हो, प्री बोर्ड 1 हो, प्री बोर्ड 2 हो, यूटी हो, पीटी हो, कुछ भी हो। आपके इन सभी टेस्टों में से बेस्ट जो 2 होंगे, कोई से भी जिसमें आपके सबसे बढ़िया मार्क्स आए होंगे, वो चुने जाएंगे, और उनके मार्क्स आपको 5 में से दिए जाएंगे। आप 5 में से कितने नंबर लेकर आए हो, बात समझ में आई। सपोज आप, मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, आपका कोई इन्होंने एक टेस्ट लिया 20 मार्क्स का, आपका टेस्ट लिया, आपके 20 में से इसमें आए सपोज 16 मार्क्स आ गए, ठीक है। तो 20 में से 16 मार्क्स आए हैं, इसको 5 में से देखेंगे कितने आए, तो 5 में से कितने हो गए 4। ऐसे और भी कोई टेस्ट लिया होगा उनका भी आप देखें कि 5 में से कितने आए। तो अगर आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे होंगे, सपोज आपके 5 में से 2 मार्क्स आ रहे हैं, या 1 नंबर आपका आ रहा है, या 0 अगर आ रहे हैं, टीचर्स उसको कंसिडर नहीं करेंगे, आपको अगर दूसरा टेस्ट ले लिया जाएगा, आपसे कहेंगे कि तैयारी करके आओ और दूसरा टेस्ट दो, क्योंकि बेस्ट 2 के मार्क्स वहां पर वो लगाएंगे। टीचर्स भी देखो यही चाहते हैं कि रिजल्ट आपका खराब ना जाए, वो अगर नंबर आपको दे रहे हैं तो अच्छे ही नंबर दें, है ना। तो इसलिए आप अगर किसी भी टेस्ट में आपके नंबर खराब आ गए हैं तो आप घबराए नहीं, आगे और भी जो कुछ टेस्ट वगैरह होंगे टीचर्स उसमें नंबर दे देंगे, तैयारी करके जाएं। इसके बाद आता है सब्जेक्ट एनरिचमेंट प्रैक्टिकल वर्क। यहां पर आप देखें जो भी आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा, जो भी प्रैक्टिकल फाइल्स होंगी, वाइवा वगैरह होगा, वो आपका सारा हो जाता है 5 नंबर का। और अगला आएगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आपका कई सारी चीजें देखी जाएंगी कि आपकी जो क्लासरूम्स में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्लास में कैसी परफॉर्मेंस आपकी रही है, आपकी जो कॉपी है, नोटबुक है, वो कंप्लीट है या नहीं, आपने टाइम पर काम किया या नहीं किया, मींस ये सारी चीजें आपके देखे जाएंगे इस पोर्टफोलियो में, और ये आपका 5 मार्क्स का होता है। तो टोटल यहां पर हम देखेंगे 20 मार्क्स ये बन जाएंगे। 80 मार्क्स आपने पेपर में अचीव कर लिए, 20 मार्क्स यहां पर ये बन गए, तो अल्टीमेटली हो गए 100 मार्क्स। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि प्री बोर्ड के मार्क्स जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, तो देखो अभी मैंने ऊपर समझाया आपको, प्री बोर्ड के मार्क्स आपके इनडायरेक्टली जुड़ेंगे, आपके अच्छे नंबर अगर आ जाते हैं तो वो जुड़ेंगे, और आप ऑब्वियसली बात है आप जब पूरा सिलेबस आपका खत्म हो चुका है तो आप प्री बोर्ड में अपने अच्छे ही नंबर लेकर आए ताकि वो मार्क्स आपके जुड़ जाए। बोर्ड में नहीं जुड़ेंगे, इंटरनल असेसमेंट में जुड़ते हैं, ठीक है। अब यहां आप देखें कि साइंस का जो पूरा जो पेपर है 3 घंटे का, उसको बनाया किस तरीके से जाएगा, है ना, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग 46% सबसे ज्यादा ये रखा जाएगा कि भाई नॉलेज बच्चे को कितनी ज्यादा है और कैसे समझकर उसको वो अप्लाई कर सकता है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स, यानी कि नॉलेज को किस तरह से अप्लाई कर पाना। आपसे आपने मान लो कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, सपोज हम बात करें आपने मेंडल का पी प्लांट एक्सपेरिमेंट पढ़ा, है ना, आपने तो वो टॉल और शॉर्ट वाला पढ़ा हुआ है, लेकिन आपसे क्वेश्चन किसी और चीज से पूछा जाएगा। मान लो आपसे ये पूछ लिया चला गया कि भाई 2 तरह के फ्लावर हैं, एक वायलेट फ्लावर और एक व्हाइट फ्लावर, उनको क्रॉसिंग करा रहे हैं तो इनका बताओ क्या क्या रेशियो आएगा, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज आपको है उसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, 22% ये आएगा आपके पेपर में। और एनालाइज इवेल्युएट एंड क्रिएट, आप किस तरह से एनालिसिस कर पाते हैं क्वेश्चंस का, आंसर्स का, इवेल्युएट किस तरीके से कर पाते हैं, क्या क्रिएशन है आपका, कैसे क्रिएट कर पाते हैं उसको, ये आपका आएगा कितना 32% का। तो इसलिए आप ध्यान रखें पेपर आपका, आप ये मत समझे कि बहुत ज्यादा इजी आएगा पेपर में, ये सारी चीजें यूज होंगी और पेपर आपका इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग बनेगा। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है स्टूडेंट, ध्यान से आप समझते जाएं।
क्वेश्चंस के टाइप आप देखेंगे कैसे आएंगे, आप देखें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे, अजर्शन रीजंस भी आएंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आएंगे। ये सोर्स बेस्ड भी होंगे, केस बेस्ड भी होंगे, पैसेज बेस्ड भी होंगे, इंटीग्रेटेड असेसमेंट क्वेश्चंस भी होंगे, इनमें से कोई भी एक तरह के क्वेश्चंस आपके इसमें आएंगे। और सभी क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस दी हुई है लगभग 33% की, पूरे पेपर में 33% क्या रहेगी, चॉइस रहेगी। अब हम मार्क्स वाइज अगर बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बहुत ध्यान से इसको समझ लें, आप जितना जल्दी इसको समझ जाएंगे आपका पेपर और ज्यादा अच्छा चला जाएगा। देखें टाइप ऑफ क्वेश्चन, सबसे पहले आता है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में स्टूडेंट्स आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इंक्लूड हो गए, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आ गए और अजर्शन रीजंस वाले भी इसके अंदर आ जाते हैं। ये जो आपका बनेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, ये आता है आपका 20 नंबर का, ध्यान से समझेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपका मतलब सॉरी जो सेक्शन ए है आपका ये वाला, ये कितने मार्क्स का आ गया है स्टूडेंट्स, 20 मार्क्स का चैप्टर हमारा आ चुका है इसमें। इसके बाद देखें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं 1 से 16 तक के, ये आपके आते हैं 16 नंबर के, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप इसको समझेंगे। यहां पर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है किस टाइप के, उसमें क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले आता है सेक्शन ए, सेक्शन ए टोटल आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे। इनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस भी होंगे, अजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस भी होंगे। तो स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं ये आपके 16 क्वेश्चंस आएंगे जो 16 मार्क्स के होंगे, मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन। फिर इसके बाद आपके 17 से लेकर 20 तक, यानी ये चार क्वेश्चंस आपके आएंगे, ध्यान से समझना, चार क्वेश्चंस आएंगे आपके, और ऐसे जो क्वेश्चंस हैं हर एक क्वेश्चन के चार पार्ट्स होंगे, यानी कि 4 × 4 मींस 60 मार्क्स आपके इसमें आ जाएंगे। दोबारा समझेंगे, कोई भी एक क्वेश्चन होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, उस क्वेश्चन के पैसेज बेस कैसा भी हो सकता है, वो चार आपको क्वेश्चन पार्ट दिए हुए होंगे, आपको उनको सॉल्व करना है, तो चार नंबर मिल गए। इस तरह के चार क्वेश्चन आपके होंगे टोटल, तो मतलब 16 मार्क्स आपके हो गए। तो टोटल देखें आप 32 मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट 32 मार्क्स आपके सिर्फ एक नंबर वाले क्वेश्चन से। आप एक नंबर वाले क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, अगर आप सिर्फ एक नंबर वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे आप बड़े अच्छे नंबरों से पास हो चुके हो। 33% वाला पास होता है, 33% का मतलब हो गया 80 में से अगर आप 25-26 नंबर अगर लेकर आ जाओगे आप पास हो जाओगे, लेकिन आप देखो आप 32 नंबर लेकर आ पा रहे हो सिर्फ एक नंबर के क्वेश्चंस करके, है ना। तो इसलिए एक नंबर के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करें, प्रिपरेशन अच्छे से करें। इनकी प्रिपरेशन के लिए मैं अभी कुछ ही दिनों में, एक दो दिनों में ही 10th क्लास के बच्चों के लिए साइंस के मिक्सअप MCQs और assertion reason वाले questions और very short answer questions लाने वाला हूं। तो आप इन सभी videos को जरूर देखें, और अगर live class अगर होगी तो live class को भी आप attend करें, आपकी practice इतनी अच्छी तरीके से हो जाएगी कि paper में कोई भी question आए 1 mark का आप उसको solve कर देंगे बड़े आराम से, ठीक है। आगे अब हम देखेंगे section B। सेक्शन बी में आप देखें स्टूडेंट्स, ये इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे 21 से 26 तक, और ये आपके 12 नंबर के हो गए, यानी 6 क्वेश्चन से 2 नंबर का एक है तो 12 नंबर के हो गए। और मैं आपको बता दूं ये 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं कोई बहुत ज्यादा ही मुश्किल नहीं होते, आपने अगर ठीक ठाक थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आप इनके आंसर दे सकते हैं। आप सीधी सी बात आप देखें 6 क्वेश्चन है, आप 6 भी ना सही, आप सिर्फ 4 के भी अगर जवाब दे देंगे तो आपके यहाँ पर कितने हो गए, 8 नंबर बन गए बड़े आराम से, है ना। आगे हम देखते हैं सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है ना स्टूडेंट्स, ये आपके आते हैं कितने नंबर के, जाएंगे आपके 3 मार्क्स के। कितने मार्क्स के आएंगे, ये 3 मार्क्स के आएंगे, और टोटल ये 7 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए कितना बन गया यहाँ पर 21 नंबर। तो 21 नंबर आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन आपके आने हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, और ये 5 नंबर के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं आपसे। इनमें क्वेश्चन में आंसर जनरली पार्ट्स में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि भाई पूरा बड़ा आपको क्वेश्चन दे दिया उसके बारे में पूरी कहानी आपने लिखनी है। ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि आपके आंसर जो है पार्ट्स में आपसे पूछे जाएं। अच्छा, ये नहीं कहा जा सकता कि ये कौन से वाले चैप्टर्स में से आएगा, ये किसी भी चैप्टर में से आ सकता है, यहां पर ये चीज मेंशन नहीं है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके ये मार्क्स यहां पर बन गए।
80 में से 36 ये मार्क्स नहीं बने, क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है ना। तो 36 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आ जाएंगे, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए हैं मैं, तो 20, 6, 7 और 3, तो ये आपके आ जाएंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद देखें इंटरनल चॉइसेस, इंटरनल चॉइस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 33% वुड बी प्रोवाइडेड, है ना। सेक्शन ए में आपको 6 चॉइस दी हुई है, मतलब सेक्शन ए जो होगा जिसमें आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन में से आप देखें जरा 6 आपको चॉइस मिल जाती है। सेक्शन बी में आपको 2 चॉइस मिलेगी, सी में 1 चॉइस मिलेगी और सेक्शन डी में आपको 2 चॉइस मिलेगी। तो स्टूडेंट्स आपका जो एग्जाम है, बोर्ड का जो एग्जाम है, ये उसका पूरा मैंने पैटर्न आपको बताया है। आगे क्या लिखा हुआ है इन सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 17-20 कंटेन 5 पार्ट्स ईच, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू आंसर एनी 4 सब पार्ट्स इन दीस क्वेश्चन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सेक्शन ए में जब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17-20 में आपको 5 पार्ट दिए गए होते हैं ए बी सी डी ई, लेकिन हमने पढ़ा था इनके मार्क्स कितने होते हैं, 4 नंबर होते हैं, तो मींस आपको कोई भी 4 करने हैं, ठीक है। तो यहां पर भी एक तरीके से आपको चॉइस दे दी गई है, कोई से भी 4 जो आपको आते हो आप वो उनको कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये ब्लूप्रिंट जो मैंने आपको बताया है क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, आपको कैसा लगा, आपके लिए ये यूजफुल है या नहीं कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं। और आगे की लाइव क्लासेस के लिए और इन क्वेश्चंस को, 1 मार्क वाले क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।